हाँ भाई, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज नोन, आपको एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम पता है। ध्यान रखना, लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। कैन यू फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी? अब यार इस क्वेश्चन में ना थोड़ा लैंग्वेज में करेक्शन और हो सकता था। इसमें वो बोल देना चाहिए था कि मास भी पता है, मास अज्यूम करना है अपने को कि उस बॉडी का मास भी पता है, ठीक है। अब वो बुक लिखने वाला भगवान थोड़ी ना भाई, क्वेश्चन बनाने वाला भगवान नहीं है, हो जाती है गलती, ठीक है। तो मास पता है ऐसा अपन अज्यूम कर ले, ठीक है। अब P इज इक्वल टू एम वी होता है। मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू स्पीड। अब मैं क्या करूँगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब बेसिकली मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसी के आधार पर मैं बोलूँगा कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो देखो, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब मैं यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया। अब ये क्या लिखा हुआ है देखो भैया, ये लिखा हुआ है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो उसको मैं पी स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बाय टू एम। तो के की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर बाय टू एम, ठीक है। तो भाई पहली बात तो ये रिलेशन यार याद ही होगा तुम लोगों को, और नहीं तो कर लो भाई, है ना, याद होना चाहिए, मेरी ऐसा रिकमेंडेशन है मेरा, याद होना चाहिए। तो बोला है कि अगर लीनियर मोमेंटम पता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है? यस, निकाली जा सकती है, लेकिन शर्त है मास पता हो, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसको, है ना। तो हम यही मान रहे हैं कि मास गिवन है, लीनियर मोमेंटम गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कैलकुलेट की जा सकती है? हाँ, कैलकुलेट की जा सकती है। आगे, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज नोन, कैन यू फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम? अब इसका आंसर भी लोगों को यस लगता है, पर इसका आंसर यस नहीं है भाई। क्यों नहीं है? ये रिलेशन तो अभी भी ट्रू है, नो डाउट। अब आपको के पता है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू के एम आ गया, तो पी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट टू के एम। तो भैया इससे पी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल सकता है, लेकिन पी यानी कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं बता सकते हम लोग कंडीशन। सोच सोच के देखो, एक पार्टिकल है जो कि यहाँ जा रहा है v स्पीड से, एक पार्टिकल है जो यहाँ जा रहा है v स्पीड से, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तीनों का मास m है। इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी भाई सेम ही होगी, हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर, राइट है। लेकिन इन तीनों का लीनियर मोमेंटम अलग अलग होगा। क्यों? इसका होगा एम वी जे कैप, इसका होगा एम वी माइनस जे कैप, इसका होगा एम वी आई कैप। तो डायरेक्शन की जानकारी नहीं मिल पाती यदि सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी दी है तो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यस हो जाएगा, कैन यू फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी? यस ऑफ कोर्स। और सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? नो, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।